कोरोना महामारी से ग्रसित लोगों के लिए देश भर में क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिससे वे लोग एकांतवास में रहकर इस संक्रमण को दूसरों में फैलने से रोक सके। आज देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां कोरोना संक्रमण के मरीज ना पाए जा रहे हों। ऐसे में उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में भी सीआरपीएफ का पहला क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, लेकिन इस क्वारंटीन सेंटर के अंदर की क्या क्या सुविधाएं हैं ये हम आपको बताएंगे। दरअसल गवर्नमेंट ड्यूटी पर या छुट्टी पर गए सीआरपीएफ के जवानों की वापसी के लिए वाराणसी में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। यहाँ पहले से मौजूद अन्य सीआरपीएफ के जवानों को कोरोना संक्रमण न हो, इसके लिए बाहर से आने वाले जवानों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं और क्रियाकलापों के बारे में सीआरपीएफ कमांडेंट ने डेमो करके मीडिया को दिखाया। आपको बताते हैं, इस क्वारंटीन सेंटर में अलग अलग टॉयलेट बनाए गए हैं, तो वहीं खाने के लिए मेन्यू चार्ट भी है। सीआरपीएफ कमांडेंट ने बताया कि जब कोई जवान इस सेंटर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले उसे और उसके सामान व गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए जवान को सैनिटाइजेशन टनल से गुजरना होगा। उसके बाद उसका मेडिकल काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग के वक्त उसे फॉर्म भरने होंगे और बीते दिनों की संपूर्ण जानकारी उपस्थित डॉक्टर को देनी होगी। उसके बाद डॉक्टर यह तय करेगा कि उसे क्वारंटीन करना है या क्वारंटीन के साथ साथ टेस्ट भी कराना होगा। इसके पश्चात उसे काउंटर से 2 मास्क, सैनिटाइजर, बकेट, हैंड ग्लव्स आदि दिए जाएंगे। डेली बेसिस पर जितने भी राशन की आवश्यकता होगी, सब्जी इत्यादि, फल इत्यादि की आवश्यकता होगी, वो तो यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पे रहने वाले जितने भी स्टाफ और इसके क्वारंटाइन सेंटर में आने वाले कार्मिकों के लिए भोजन की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद उसे उसके कमरे तक पहुंचाया जाएगा। कमांडेंट नरेंद्र सिंह ने बताया कि एक कमरे में 3 से 4 जवानों के रहने की व्यवस्था की गई है। उन्हें रोजमर्रा के जरूरत के सामान भी अलग अलग मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा सभी के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था की गई है और उस पर टैग भी लगाए गए हैं, ताकि किसी एक का टॉयलेट कोई दूसरा जवान इस्तेमाल न कर सके। इसके साथ ही 50 वर्ष से कम के कार्मिकों को प्राथमिकता दी जा रही है, तो वहीं रेड जोन वालों को ना कहा गया है। कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कुल 120 जवानों को क्वारंटीन करना है, जिन्हें कई फेज में बुलाया जाना है। सबसे पहले 50 साल से कम के जवानों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्हीं कर्मियों को बुलाया गया है जो रेड जोन के ना हो और ना ही उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो जिससे कोरोना का संक्रमण उनके लिए घातक साबित हो सके। सीआरपीएफ के क्वारंटीन सेंटर की थीम है कि किसी भी जवान को किसी प्रकार की मानसिक परेशानी ना हो। मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह है, मैं कमांडेंट हूँ 95 बटालियन सीआरपीएफ वाराणसी में। सर, ये क्वारंटीन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है और क्या खासियत है यहाँ पे? 95 बटालियन के सीआरपीएफ के जो जवान गवर्नमेंट ड्यूटी और छुट्टी से वापस आने वाले हैं, उनके लिए उनको क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की गई है। ये चक्का हरुआ में, बनारस में इसकी स्थापना की गई है। इसमें हम लोगों ने ये उन सब नियम और जितने भी निर्देश जारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं, उन सबों का पालन करते हुए बनाया है, जिससे कि छुट्टी से आने वाला व्यक्ति को हम लोग 14 दिन इस क्वारंटाइन सेंटर में रखें, ये इंश्योर कर सकें कि उसको किसी प्रकार की ऐसी कोरोना संबंधित बीमारी नहीं है। अगर है तो उसका तत्काल उसका इलाज कराया जा सके और वो बीमारी अन्य उन जवानों के बीच में ना फैल सके जो पहले से ही हमारे कैंपों में हमारे साथ रह के ड्यूटी कर रहे हैं। ये उसको सबसे पहले अपना साथ लाए गए सामान और उसके साथ लाए गए गाड़ी को उसको हमें पूरी तरीके से सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करवाने के पश्चात उसको वो पर्सनल सैनिटाइजेशन के लिए एक टनल के अंदर से जाना पड़ता है। उसके पश्चात हाथ पाँव धोने के लिए कॉन्टैक्टलेस हैंड वॉश के पास से गुजर के वापस हॉस्पिटल में आना है। हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर उसका पूरा तरह से चेकअप करते हैं और उसकी पूरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि इसको क्वारंटाइन सेंटर में रखना है या आइसोलेशन में रखना है या किसी प्रकार के और अन्य टेस्ट इत्यादि कराने की आवश्यकता है। उसके पश्चात ही वो व्यक्ति अपने सामान के साथ में अपने रहने के स्थान पर पहुँचेगा और उसके बाद उसको सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन की जाएंगी कि जो नित्य प्रतिदिन के आधार पर उसको जो कार्य करने हैं
उसको करने के लिए कहाँ जाना है और सभी नियम कानूनों का वो पालन कर सके। जी ये कोशिश किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए एक कमरे में मात्र 3 से 4 कार्मिक रहें और उस कमरे में रहने वाले कार्मिकों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। अगर आप देखेंगे टॉयलेट्स में भी रूम नंबर लिखे गए हैं कौन से रूम नंबर के कार्मिक कौन से टॉयलेट्स में जाएंगे। इसके पश्चात उनको खाने वगैरह का इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि वो खाने के लिए अपने अपने कमरों तक उनको खाना मिल जाए और उनको कहीं अलग जाने की जरूरत ना पड़े और उनके आपस में मिक्सिंग ना हो। इसी तरह से उनको कमरों के अलावा उनको फ्लोर की व्यवस्था की गई, हर फ्लोर पर उनके लिए रिक्रिएशन रूम और डाइनिंग हॉल और हर चीज़ की अलग अलग व्यवस्था की गई है ताकि उनके आपस में मिक्सिंग ना हो। 120 जवान मेरे छुट्टी पर हैं जिनको कि यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में आना है, उनको फेज़ वाइज बुलाया जा रहा है। सबसे पहले ये ध्यान रखा गया है कि उन्हीं कार्मिकों को बुलाया गया है जो 50 साल से जिनकी उम्र कम हो, उन्हीं कार्मिकों को बुलाया गया है जो रेड जोन के ना हो, और साथ के साथ ये ध्यान रखा गया है कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि कोरोना के कारण घातक उनके लिए सिद्ध हो सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही लोगों की लिस्ट बनाई गई। इसके अलावा वो कार्मिक अभी तत्काल प्रभाव से आ रहे हैं जो अपने किसी माध्यम से अपने किसी वाहन से इस क्वारंटाइन सेंटर तक सीधे आ सकते हैं। ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज के बाद अगले फेज में अन्य कार्मिकों को धीरे धीरे बुलाया जाएगा। इसका विशेष ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि इस क्वारंटाइन सेंटर में इसके लिए एक इंटरटेनमेंट रूम भी बनाया गया जिसमें टीवी लगाई गई है जिससे किसी भी जवान को किसी तरीके की मानसिक परेशानी ना हो सके। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।